फैमिली बोट तो मैंने कर ली, नाउ इट्स टाइम फॉर द जेट स्की। और मजे की चीज ये है कि इस बार जेट स्की मैं अकेले करूंगी। लास्ट टाइम यू नो मैंने खबेकी में की थी, लेकिन तब मेरे साथ एक थे इंस्ट्रक्टर, लेकिन दिस टाइम आई एम गोना डू इट ऑल अलोन। मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और मेरे साथ एक राउंड भी करा लिया है ताकि इनकेस मुझे जितनी भी चीज़ें उनका थोड़ा बहुत पता चल जाए। मैं बहुत स्टंट्स वगैरह नहीं करूँगी, आई एम जस्ट गोना डू द बेसिक, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दैट कि कैसा रहने वाला, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट ऑल अलोन। सो लेट जस्ट सी कि ये जो जेट्स की काबी का सफ़र है कैसा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं जेट स्की को कर दिया मैंने स्टार्ट, एंड नाउ वी गोना गो, लेट्स सी व्हाट आई एम एबल टू डू इट। अच्छा, हल्की सी रेस देनी है, रेस दी, हल्की सी और रेस दी, जेट स्की एंड इट वॉज सो मच फन। बहुत मज़ा आया है, और कोई इतनी वो भी नहीं थी कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो या उस तरह से, इट वॉज नॉट लाइक दैट। और एक्सपीरियंस जो था दैट वॉज वर्थ डूइंग। आई वुड 100% से कि जब भी आप लोग आएँ जेट स्की लाजमी कीजिएगा, पहले थोड़ा सा सीख लें, प्रेफरेबली कोशिश करें कि आप किसी के साथ के बजाय आप अकेले करें, फिर आपको मज़ा आएगा। एंड यू हैव द रियल, एक कुछ से द रियल एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया जेट स्की का, आई लव्ड इट। सो अभी जो है वी गोना डू एन अदर अमेजिंग एक्सपीरियंस, वो है पैरासेलिंग। यस, वी गोना डू पैरासेलिंग, और अभी भी इडगिट पैरासेलिंग हो रही है, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, सो आई एम गोना गो देयर एंड डू इट। मैंने पहले भी की है, लेकिन 4 साल पहले की थी, सो अभी देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। सबसे पहले मैं जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेती हूँ और प्राइस वगैरह भी पूछ के आपको बताती हूँ, एंड देन वी गोना गो फॉर पैरासेलिंग। सर, मुझे थोड़ा सा पहले डिटेल्स वगैरह बता दें, कॉस्टिंग मुझे बता दें कितनी है इसका। मैम 3500 पर हेड है, और ये 4 से 5 मिनट की फ्लाइट होती है। अच्छा, यस, 3500 इज वेरी रीजनेबल बाय द वे। मैंने अभी से कोई आई गेस 3-4 साल पहले की थी, और तब 4000 थी, सो इट्स वेरी रीजनेबल, सही हो गया। और सिक्योरिटी का भी मुझे थोड़ा सा बता दें कि इज इट सेफ फॉर द पीपल टू गेट देयर। और इसमें आपको सबसे पहले अंडरटेकिंग साइन करनी होती है कि ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और आपको कोई हाइट फोबिया नहीं है, कोई आपके पाँव में राड वगैरह नहीं डला हुआ। अच्छा जी, क्योंकि अक्सर होता है ना इस तरह के लोगों को हाइट फोबिया होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर इस पर इशू बनते हैं ना। हम इसलिए पहले अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं कि ताकि कोई इशू ना बने ना। तो इसमें आप अपना नाम, सिग्नेचर, CNIC वगैरह ठीक हो गया। मुझे बस थोड़ा सा वैसे इन्फॉर्मेशन दे दें, फिर उसके बाद मैं अंडरटेकिंग भी फिल करती हूँ। सर मुझे बताएगा कि आपकी जो बोट्स वगैरह हैं ये दे आर लाइक सेफ, और किस तरह से? ये आम बोट मैम नहीं होती ना, ये जो पैरासेलिंग के लिए बोट चूज होती हैं, ये मतलब इम्पोर्टेड बोट्स होती हैं, ये अमेरिकन बोट्स हैं हमारे पास, यामा कंपनी के जापान से इंजन इम्पोर्ट होते हैं इनके साथ। ये आम बोट पैरासेल नहीं करवाती, ये स्पेशल बोट होती है जो पैरासेल के लिए बनी होती है। अच्छा। और इसमें स्पेशल किस्म की रोप यूज़ होती है, वो भी इंपोर्ट हम करते हैं। और जो पैराशूट यूज़ होता है, ये मुख्तलिफ साइज़ के पैराशूट्स होते हैं ना, मतलब वेट के हिसाब से। अच्छा। 80 kg, 100 kg मैक्सिमम जो होते हैं, और 150 kg हाँ, वो उस वजह से होता है। और जो पैराशूट्स होते हैं ये हम USA से, इंग्लैंड से, इन एरिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। ये लोकल कोई चीज़ नहीं होती, सब इंटरनेशनल चीज़ें हैं, जो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसओपीज़ के अकॉर्डिंग है। बस सही हो गया, अंडरटेकिंग फिल करते हैं और फिर चलते हैं पैरासेलिंग की तरफ। यहाँ से आपने रनिंग करनी है पानी तक, ओके। बोट कैप्टन पे नजर रखनी है वापसी पे लैंडिंग के टाइम, वो आपको इस तरह राइट हैंड का इशारा करेगा खींचे, तो ये व्हाइट बेल्ट आपके हेड के पास बिल्कुल ऐसे होगा ना, ठीक है, ये आपकी लैंडिंग के लिए है ना, ठीक है। इसको खींचेगा नीचे की तरफ विद बोथ हैंड्स, इसको दोनों हाथ से नीचे खींचे, नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन केस अगर वो लेफ्ट का इशारा करता है तो लेफ्ट भी सेम होगा,
ठीक है, व्हाइट वाला खींच देना, ये आपकी लाइनिंग के लिए, ठीक है, दोनों में व्हाइट बेल्ट ही खींच, ठीक है, ये आपकी लाइनिंग के लिए, ठीक है, ठीक है, और ऊपर हवा में जाके इसको आज छोड़ दीजिएगा, ये आपकी सीट है, इसको एडजस्ट करके आपने बैठ जाना है, ठीक है, ठीक है, सही सही रेडी सिंपल, वैसे बस अभी ऐसे चले जाना रनिंग करनी है, और अभी रनिंग करनी है और उधर जाके पांव उठा लेने, ठीक है, ठीक है, रेडी longer time, but we cannot. I loved it.